अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमान है और आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, उनसे कॉमन सेंस का सवाल करते हैं, आइए पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आगे ईद आने वाली, ईद के लिए तैयारी की आपने? तैयारी तो मैं क्या तैयारी करूँगा, तैयारी तो कसाई करेंगे ना। नहीं तो कुछ कप? हाँ वो तैयारी तो होगी। ऐसे कोई दुम्बा मुम्बा किया? नहीं अभी लेना है। कब कब लें? बस एक दो दिन मिले। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप में कॉमन सेंस है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत क्यों, आप इतने बादाम खाते हैं तो होना चाहिए कॉमन सेंस आपने। ये तो पता लगेगा ना अभी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा तो उसका जवाब आप देंगे मुझे? जी देख। अच्छा, मेरा सवाल है कि साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होगा, उसके दांतों का कलर क्या? उसके दांतों का कलर तो सफ़ेद होना चाहिए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। एक और बंदे हैं, इनसे कॉमन सेंस के इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? यासिर। कोहाट यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट? फार्मेसी डिपार्टमेंट, सिक्स सेमेस्टर। अच्छा, सिक्स सेमेस्टर। आप में कॉमन सेंस है? बस है। सोच लें, बहुत मुश्किल सवाल करना। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे ग्रेड्स आते हैं मेरे। अच्छा, मुझे मैंने एक सवाल करना है। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर से सुनती है नीचे से बोलती है? ऊपर से सुनती है नीचे से बोलती है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोच नहीं, आप टाइम दीजिए, सोच लें। इसका आंसर तो है ना? आंसर है, आप सोच के बताओ। क्या आपके जहन में क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा जहन में। ऊपर से सुनती है नीचे से बोलती है? नीचे से बोलती है। बहुत टाइम लग रहा है इसको, लगता है कॉमन सेंस डाउन हो गया है। मुश्किल सवाल है। चलिए सोच के कुछ भी बता दें आपको, कुछ तो आता होगा। ऊपर से सुनती है नीचे से बोलती है? लाउडस्पीकर? लाउडस्पीकर कैसे ऊपर से सुनते हैं मुझे बताएं। ऊपर होता है ना, बोलता कैसे? हाँ ये तो है यार। चलिए, आप मतलब आपने हार मान ली, आपको सवाल का जवाब नहीं आता। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मैंने रिंग टून। चलिए आप हार मान ली, बस आप बोले कि मुझे जवाब नहीं आता। बस नहीं आता यार, जवाब तो नहीं आता। तो इसको ये जवाब, चलिए जवाब तो आपको नहीं आता। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ गाना सुना रही, क्योंकि किसको नहीं, नहीं मैं एक पैगाम, मैं एक बंदे को पैगाम देना चाहता हूँ। कैमरे में आप पैगाम देंगे? मेरा एक दोस्त है अहमद अमान, हमारी क्लास में पढ़ता है। पिछले तकरीबन 70 महीनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। 70 महीनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, और उसकी प्रॉक्सी मैं लगा रहा हूँ। मतलब उसकी प्रॉक्सी मैं लगा रहा हूँ, उसकी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, सब बोझ मेरे इस कंधों पर है। दो मरतबा मुझे HOD ने बुलाया भी है, तो उसको मैं कह, प्लीज़ उठ जाया करो, तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें हलाल कमाई तो मैं करके देते हैं, और तुम यहाँ पर आते नहीं। बस ये एक पैगाम है। उम्मीद करता हूँ वीसी साहब ये मैसेज सुन लें। और इसको मौजूद है हमारे साथ एक और स्टूडेंट फार्मेसी के, इनसे पूछते हैं कि इनमें कॉमन सेंस है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कौन सी डिपार्टमेंट पर, कौन से सेमेस्टर से? मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट, सिक्स सेमेस्टर से हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे कॉमन सेंस के सवाल कर रहे हैं लोगों से, तो क्या आप में कॉमन सेंस है? जी बिल्कुल है। अच्छा, पहले ये बताएं कॉमन सेंस होता क्या है? कॉमन सेंस मतलब ये हर किसी में कॉमन हो, हर चीज़ में कॉमन होती है, ना कॉमन होता है। कॉमन सेंस क्या होता है? मतलब वो किसी चीज़ को जज कर सकता हो, उसको अपना कोई शऊर हो। जज ना कर सकता तो उसमें कॉमन सेंस नहीं है, ज़ाहिरी बात नहीं होगी। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सवाल का जवाब देंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर से बोलती है नीचे से सुनती है? ऊपर से क्या करती है? ऊपर से बोलती है नीचे से सुनती है, वो कौन सी चीज़ है जो नीचे से बोलती है ऊपर से सुनती है? नीचे से बोलती है ऊपर से सुनती है, कुछ जहन में आ रहा है? जोर लगाओ, कॉमन सेंस है यार, तुम तो कहते हो मुझ में कॉमन सेंस। हाँ ऐसे हो, से इंसान भी हो सकते हैं वो। ऊपर इंसान कैसे हो सकते हैं? तो ऊपर से सुनते हैं नीचे से बोलते हैं ना। ऊपर से सुनते हैं मतलब ऊपर जाओगे तो सुनोगे, नीचे नहीं सुन सकते? कान ऊपर होते हैं, मुंह इधर होता है, नीचे होता है, तो कान से सुनते हैं मुँह से बोलते हैं। पक्की बात है कि एक मोबाइल भी है, मोबाइल मोबाइल कैसे है? मोबाइल के वो देखें आपका स्पीकर कान के साथ पकड़ते हैं ना, और नीचे से वो आप बोल रहे होते हैं तो उधर आवाज है। चले, इनमें वाकई कॉमन सेंस है। और आइए कुछ और लोग हमारे साथ, एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, इनमें कितनी कॉमन सेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से सेमेस्टर? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हूँ, फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, आप में कॉमन सेंस है कि नहीं है? कॉमन सेंस हो सकते हैं, आप श्योर नहीं है, आप कंफर्म नहीं है? लेवल तो श्योर नहीं कि कितना लेवल पे है, लेकिन हो सकता है। लेवल आपका चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कॉमन सेंस होता क्या है? कॉमन सेंस ये होता है कि जब कोई आपको क्वेश्चन बताएगा, तो क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जो आप माइंड इस्तेमाल करते हैं, उसको आई थिंक कॉमन सेंस होता है। अच्छा, माइंड इस्तेमाल करने को कॉमन सेंस? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर माइंड ना इस्तेमाल करें तो क्या होगा? तो वही से कॉमन सेंस नहीं होगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर से सुनती है नीचे से बोलती है? ऊपर से सुनती है नीचे से बोलती है? सोच समझ के जवाब दे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, बहुत मुश्किल सवाल है। मैं आपके पास आया हूँ, आप थोड़े से मुझे अकलमंद लग रहे थे। बिल्कुल। अगर एक बंदा ऊपर से
نیچے سے بولتا ہے اور سنتا رہے گا تو پھر یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. نہیں وہ کون سی چیز ہے, چیز بتائیں. اگر آپ کھڑے نیچے میں بولوں گا اور آپ سنیں گے. مطلب اگر آپ کھڑے ہوں گے آپ اوپر سے بولیں گے میں نیچے سے سنوں گا, یہ تو جواب نہیں ہے. پھر میں کھڑا ہوں گا تو جواب نہیں. آپ کھڑے ہو گئے آپ اوپر سے بولو گے میں نیچے سے سنوں گا, وہ کون سی چیز ہے جو نیچے سے بولتی ہے اوپر سے سنتی ہے؟ اوپر سے سنتی ہے. آپ کو لگتا ہے جواب نہیں آ رہا, بہت سوچ رہے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں آ رہا. یہ لگتا ہے ہار مان جائیں گے آپ, بولیں گے میں ہار مان گیا. بس ہار مان گئے. چلیے آپ کچھ سنا دیں گے. گانا مانا گانا مانا ایک شعر ہے. ہاں ایک شعر ہے نا کہ جس کو چاہا اس نے چاہا کسی اور کو, جس کو چاہا اس نے چاہا کسی اور کو, خدا کرے جیسے وہ چاہے وہ بھی چاہے کسی اور. کیا بات ہے, مجھے عاشق لگتے ہیں. اور السلام, کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک. شکر ہے. آپ کا نام؟ میرا نام فدال الشاہ ہے. اچھا کوہاٹ یونیورسٹی میں کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ کون سے میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میرا سمسٹر جو ہے وہ سیکنڈ ہے. یہاں پہ ہم کامن سینس کے سوال کریں لوگوں سے, سوال بہت مشکل ہے. آپ میں پہلے یہ بتائیے کامن سینس ہے کہ نہیں؟ کامن سینس نارمل ہے میرے. کامن سینس ہوتا کیا؟ کامن سینس مطلب تھی مائنڈ, مائنڈ تھی مطلب ہم جو سوچتے ہیں وہ جو مطلب کیا کہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں وہ کامن سینس ہے. کامن سینس جو آپ نہیں سوچتے وہ کیا؟ پریڈکٹ جو کرتے ہیں, پریڈکشن. اچھا جو مطلب ہے پریڈکشن. اچھا تو آپ میں یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو نیچے سے بولتی ہے اوپر سے سنتی ہے؟ نیچے سے بولتی ہے اوپر سے سنتی ہے, سوچ کے بتائیں. نیچے سے بولتی ہے, نیچے سے بولتی ہے اوپر سے سنتی ہے. آپ تو کہہ رہے کامن سینس ہے مجھ میں, اتنا سوچنا پڑ رہا ہے. کوسچن تھوڑا ہارڈ ہے. چلیے آپ بتا دیجیے جواب. سوچنا پڑے گا. کیا جواب؟ نیچے سے بولتی ہے اوپر سے سنتی ہے. سنتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ہوتا ہوگا. ہاں کچھ تو ہوگا ضرور. خیر آپ کو پتا ہو؟ مجھے پتا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو. دیکھتا ہوں. نیچے سے بولتا ہے اوپر سے سنتا ہے, تو کوسچن عجیب سا ہے. تو کوسچن چینج کر دوں؟ ہاں کوسچن چینج کر. چلے چھوڑے کامن سینس کا کوسچن نہیں کرتے. آپ سے آپ ہمارے یوئرس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے, کیونکہ اس سے مطلب یوتھ میں ایک اہم مطلب اسپیشل پیغام جو کہ میسج اسپریڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو کہ ہمارے جو نوجوان نسل وہ مطلب جرنلزم کی طرف راغب ہوتے ہیں اس سے, کیونکہ آپ لوگ یہ آئیں گے اور ہم بھی آئیں گے تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ ینگ لوگ جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے. چلے بہت شکریہ. اچھا اینڈ پہ لاسٹ پہ اگر آپ کچھ سانگ سنانا چاہتے ہیں, کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی؟ سانگ سانگ تو وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ میں سانگ زیادہ نہیں سنتا. چلے شکریہ. اور بندے کی طرح ان سے بھی سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ کا نام؟ شاہ رضا. کون سا ڈپارٹمنٹ؟ میں جی ایم سی. کون سا سیکنڈ سیمسٹر. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہم یہاں پہ کامن سینس کے سوال پوچھ رہے ہیں. آپ نے کامن سینس ہے؟ جی. پکی بات ہے؟ جی. سوال کروں گا بہت ٹف سوال ہے. بس جی کر لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا؟ وائٹ. وائٹ ہوگا. اچھا جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے دانت تھے؟ نہیں. آپ دیکھیں آپ اس میں غلط ہو گئے. تھینک یو. تھینک یو.